हाय एवरीवन मु झरणा आपण मानको स्वागत करू छी आमा चैनल आज अपलोडेड रे। आज मु आपण मानको सहित आलोचना करिया को जाउ छी कि जदी आपण गोरा शिशु चाहु छथि तले गर्भावस्था रे इमिति कोन सब खाद्य आपण खाइले आपणको शिशु रो रंग गोरा हे थाए। देखंतु गोरा कला किछि भी मायने रखे नाही। गोरा केवल बापा मांको जीन ऊपर निर्भर करि थाए। जदि बापा मां गोरा छंदी तले पिला रो रंग सफा हे थाए काहे कि ना पिला जीन ऊपर ही निर्भर करी थाए। किंतु जदि आपण माने चाहिबे पिला रो रंग को हेल्दी करि परिबे बा पिला रो स्किन को हेल्दी करि परिबे जोति पई कि पिला रो कलर भी सफा देखा जाय थाए। तो इमिति कोन कोन खाद्य हेल्दी खाद्य अछि जोटे कि आपण का आहार रे शामिल करिबे। गोरा कला रे किछि भी भेदभाव न थाए। आपणकर चेष्टा रहिबा दरकार पिलाटी स्वास्थ्यवान हबा दरकार हेल्दी रहिबा दरकार तर स्किन हेल्दी रहिबा दरकार। आपण स्किन को हेल्दी करि परिबे कलर को सफा करि परिबे नाही कलर को इम्प्रूव करि परिबे। जहां भी कलर आपणकर बेबी रो थिबो आपण किछटा डाइट चार्ट को फॉलो करिकि तर कलर को इम्प्रूव करि परिबे तर स्किन को हेल्दी करि परिबे तर स्किन को सॉफ्ट करि परिबे। आपणकर मेन मोटिव रहिबा दरकार पिला भला शिक्षा पाउ भला गुणवान हो एवं भला संस्कार रे बढ़ो। तबे चलंतु डिस्कशन करिबा कोन कोन खाद्य आपण गर्भावस्था रे खाइबा निहाति आवश्यक जदि आपण गोरा शिशु चाहु छंती। प्रथम खाद्य टी होची केसर वाला खीर। ई जो केसर वाला खीर म कहिले केसर रा जेहेतु मात्रा जदि अधिक आपण नै जिवे एहा जेहेतु गरम जाति रा हेय थाय त प्रथम ट्राइमेस्टर रे एहा को खाइबा पई मना करा जाय थाय। तेणु करी आपण गर्भावस्था रा पंचम मास रु आपण ई केसर वाला खीर को पी परिबे। केसर को 2 रु 3 पाखुडा गोटे ग्लास खीर रे फुटै देबे जे पर्यंत केसर रा रंग बा खीर रा रंग हल्का हळदिया न होई जाय छि से पर्यंत आपण फुटै चलिबे। देखिबे जते बेले हल्का हळदिया रंग रे होई जाय छि सेते बेले खीर को बंद कर दे एवं सेया को आपण पीबे। देखिबे आपण पिलार स्किन बहुत ही हेल्दी रही था। एहा आपणक पई आपणक शिशु पई बहुत ही लाभदायक हेथाय। एहा सहित आपणक गोटे ग्लास खीर राती रे जेमिति हेले पीबार अछि। खीर रे प्रचुर परिमाण रे कैल्शियम अछि। एहा आपणक पिलार स्किन को हेल्दी रखिबा सहित आपणक पिलार अस्थि को भी ठीक रखिथाय माने हाड़ को भी मजबूत रखिथाय। एहा पिलार स्वास्थ्य पई बहुत ही लाभदायक हेथाय। एहा सहित आपणको राती रे आलमंड को बतुरे कि रखिबार अछि एवं सकाळ उठिकिरी आलमंड रो चोपा छडैकिरी आलमंड को खीर सहित पीबा द्वारा आपणकर पिलार ग्रोथ भी बहुत भल हेथाय। आपणको एनर्जी मिलिथाय एवं एहा सहित पिलार स्किन भी बहुत ही भल हेथाय। तापर खाद्यटी होची डाळिंब। डाळिंब को आपण सकाळे उठिकिरी खाली पेटरे जूस करिकिरी पी परिबे। डाळिंब रे प्रचुर परिमाण रे विटामिन ए सी ई कैल्शियम फॉलिक एसिड आउ आयरन थाए जोटे कि शिशुर स्वास्थ्य पई बहुत ही लाभदायक हेथाय। शिशुर अस्थि पई एहा बहुत ही भल हेथाय। शिशुर ग्रोथ भी बहुत भल हेथाय। एहा सहित एहा शिशुर स्किन उपर भी बहुत ही प्रभाव पकी थाए। तेणु करि सकाळ उठिकिरे सर्वप्रथमे डाळिंब रस पीबा पई आपण चेष्टा करिवे। तापर खाद्यटी होची नडिया। नडिया खाइबा द्वारा शिशुर रंग हेल्दी हबा सहित शिशुर ग्रोथ भी बहुत ही भल रे हेथाय। नडिया को आपण जेकोणसी आकार रे खाई परिबे चटनी बनै के खाई परिबे किंबा नडिया रो खंड खाई परिबे पोइडो पानी को भी पी परिबे। एथिरे प्रचुर परिमाण रे पोटासियम थाए जोटे कि शिशु पई बहुत ही लाभदायक हे थाए। मार जो प्रथम किछि मास रे मॉर्निंग सिकनेस जनित समस्या देखिया को मिलि थाए जोति पई कि शिशुर ग्रोथ उपरे बहुत ही बाधा देखा जाय थाए। जदि मां सकाळ उठिकिरी पोइडो पानी पीबा स्टार्ट करि दे थाए तबे ई मॉर्निंग सिकनेस जनित समस्या रु भी मां दूरै रहि थाए जोति पई कि शिशुर ग्रोथ बहुत भल हे थाए। एवं जदि थ्रो आउट प्रेगनेंसी आपण पैड पानी को पीबे तहले एहा आपणकर बेबी रो स्किन को भी इम्प्रूव करिथाय आउ तार रंग भी सफा आसीथाय। तापर खाद्यटी होची अंडा। अंडा गर्भावस्था रे खाइबा निहाती दरकार। गोटे गर्भवती को सेते के प्रोटीन निहाती दरकार काहे कि ना दि जणक पई से आहार नउचि त शिशु पई एग टी बहुत ही भल हेथाय। एग रो व्हाइट पार्ट आपण खाइबा पई चेष्टा करिवे। जदि एग रो व्हाइट पार्ट खाइबे तहले कहंति कि एग रो व्हाइट भलिया कलर आसीथाय बेबी रो किंतु एंती किछि नाही कि एथिरे जेहेतु प्रचुर परिमाण रे प्रोटीन थाए आउ एहा आपणक शिशुर स्किन को भी हेल्दी रखिथाय। त आपण एग रो व्हाइट पार्ट टा को खाइबा पई चेष्टा करिवे। एहा आपणक पई अत्यंत लाभदायक हेथाय। तापर खाद्यटी होची देसी गाईर घी।
देसी गाईर घी आपण सेकेंड ट्राइमेस्टर परठरु ही खाइबा स्टार्ट करि दियंतु। एहा खाइबा द्वारा आपणकर नॉर्मल डिलीवरी होबार चांसेस भी बढ़ी जाय थाय, काहेकि ना एहा आपणकर प्राइवेट पार्ट को स्मूथ करि दे थाय आ आपणकर डाइजेशन सिस्टम को भी ठीक करि थाय। तो आपण देसी गाईर घी आपणकर थर्ड ट्राइमेस्टर रु खाइबा स्टार्ट करि दियंतु। एहा खाइबा द्वारा एथिरे बहुत प्रकार पोषक तत्व मिलि थाय, एहा सहित एहा बेबी रा स्किन को भी हेल्दी रखि थाय, एहार बेबी स्किन को भी इम्प्रूव करिवार सहायक हे थाय। किंतु मन रखिबे जदि आपणकर हाई ब्लड प्रेशर जनित समस्या अछि तहले आपण देसी गाईर घी को कम मात्रा रे यूज करिवे, काहेकि ना एहा आपणकर बीपी को बहुत ही कॉम्प्लिकेट करि दे थाय। तो जदि आपणकर हाई बीपी अछि तहले आपण घी को अवॉइड करिया पई चेष्टा करिवे। तापर खाद्यटी होछि अंला। अंला खाइबा पई टिके कड़ा हे थाय, किंतु एथिरे प्रचुर परिमाण रे विटामिन सी थाय। एहा मां आउ शिशु पई बहुत ही लाभदायक हे थाय, तेणु करी आपण अंला खाइ परिबे। चाहिले आपण अंला रा मुरब्बा जोटा के जेकोनसी आयुर्वेदिक स्टोर रे हो किंबा ग्रोसरी स्टोर रे मिलि जिवो आपण खाइ परिबे। एहा चीनी रे ऐड करा हेकी करा हेछि जोटा के आपण को टेस्टी लागिबा सहित आपण को शरीर रे विटामिन सी को प्रचुर परिमाण रे बढै थाय, सेति पई आपण को शिशु रा रंग सफा हे थाय। एहा सब खाइबा सहित आपण को फॉलिक एसिड रा टैबलेट जेमती हेले खाइबार अछि किंबा फॉलिक एसिड युक्त खाद्य जोटा कि ग्रीन वेजिटेबल रु बहुत परिमाण रे मिले, विशेष करी ब्रोकली रु प्रचुर परिमाण रे फॉलिक एसिड मिले थाय। तो आपण ए सब खाद्य को आपण का आहार रे शामिल करंतु। कैल्शियम भी आपण डेली खाइबा पई चेष्टा करंतु। ए सब खाद्य को सहित जदि एति कि किछटा मेडिसिन आपण कंटिन्यू करले तहले एहा आपण का बेबी रा स्किन को इम्प्रूव करि थाय, हेल्दी रखि थाय, आ बेबी रा ग्रोथ भी बहुत ही भला हे थाय। एहा सते भी जदि आपण मानकर किछि डाउट रहि जाय तहले मते कमेंट सेक्शन में कमेंट करि पचारिबे, मु आपण का कमेंट रा उत्तर देबा पई चेष्टा करिबी। वीडियो पसंद आसिले लाइक करिबे, शेयर करिबे, सब्सक्राइब करबा को बिल्कुल भी भूलिबे नहीं। सब्सक्राइब साइड रे जो बेल आइकन अछि ताको मते प्रेस करि देबे, तदर हमर समस्त वीडियो रा नोटिफिकेशन आपण माने पाइ परिबे। तबे आज पई एति कि पुणी देखाबा आ एक नवा इन्फॉर्मेटिव वीडियो सहित, से पजंत विदाई दियंत। राहिली, नमस्कार।